हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एम्फी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th और 10th दोनों क्लास के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, और आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन का नियम क्या है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को आज की इस वीडियो में जो भी डाउट्स होगा उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या जानना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। जो प्रकीर्णन शब्द है, हेडिंग में आपको दिखाई दे रहा है प्रकीर्णन, इस प्रकीर्णन शब्द का अर्थ होता है फैलना। प्रकीर्णन शब्द का अर्थ क्या होता है? फैलना, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलना। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या है? प्रकाश का फैलना। अब होता क्या है वो देख लीजिए। प्रकाश का प्रकीर्णन हमने जाना, प्रकाश का फैलना यानी जब प्रकाश की जो किरण है, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण है, चलिए समझ लेते हैं अच्छे से। ये प्रकाश की कोई किरण है, अगर प्रकाश की किरण को दिखाना होता है तो हम लोग ऐसे ही दिखा देते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की किरण को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। जब ये प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम में प्रवेश करी, कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया वायु में जो हमारा वातावरण है उसी वातावरण में प्रवेश किया, ठीक है ना। ये क्या है? एटमोस्फियर है, वातावरण है, वातावरण है, ठीक है। ये क्या है? प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये क्या है आपका? प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण वातावरण में प्रवेश करता है, किसी माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम में जो सूक्ष्म कण है, धूल मिट्टी के कण, धुएं के कण, जो भी बहुत छोटे छोटे कण हैं, इन कणों के कारण प्रकाश क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है। इससे टकराएगा, टकराने के बाद प्रकाश की किरण क्या होगा? चारों तरफ फैलेगा, ठीक है ना। इनसे टकराता है और चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है, ठीक। तो प्रकाश की किरणों का माध्यम के सूक्ष्म कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाना, ठीक है ना, क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही थी, बीच में जो धूल मिट्टी के कण थे छोटे छोटे, उनसे टकराया, टकराने के बाद चारों दिशाओं में ऐसे फैल गया। इसी घटना का नाम दिया गया प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश की किरणों का माध्यम में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की किरणों का माध्यम के कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, लॉर्ड रेले, ठीक है ना। चले पहले हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है इसी टॉपिक में है, वह लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सॉरी, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। सर्दी बहुत तेज हुआ है। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम, प्रकीर्णन नियम। देखिए होता क्या है लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम? रेलेज ला, रेलेज, LEIGHS, रेलेज ला ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी हमने क्या जाना? अभी हमने जाना कि कौन सी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? माध्यम के कणों से टकरा करके फैलती है। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले साहब ने बताया कि कौन सी किरणें कितना फैलेंगी, कौन सी प्रकाश की किरण कितना फैलेगी। लॉर्ड रेले ने क्या बताया कि कौन सी प्रकाश की किरण कितना फैलेगी, ठीक है। हम लोग जानते हैं कोई श्वेत प्रकाश होता है, कोई भी श्वेत प्रकाश अगर है, वह श्वेत प्रकाश कुल मिलाकर के सात रंगों से मिलकर के बना होता है, जिनको हम लोग कहते हैं विबग्योर, ठीक है ना। वी फॉर होता है वायलेट, आई फॉर होता है इंडिगो, चलिए पूरा नाम लिखते हैं, इंग्लिश हिंदी तो आप लोग जानते ही होंगे, ब्लू, उसके बाद ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, रेड फॉर आर फॉर रेड, ठीक है ना। कोई भी श्वेत प्रकाश है, सफेद प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वह इन्हीं सात रंगों से मिलकर के बना होता है। तो लॉर्ड रेले ने बताया, लॉर्ड रेले ने क्या बताया कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य,
ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य को किसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। इन्होंने बताया कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होगा, जितना कम होगा उसमें जो प्रकीर्णन होगा उतना ही ज्यादा होगा, यानी प्रकाश की किरण वह उतना ही ज्यादा फैलेगी, ठीक है ना। जिसका तरंग दैर्ध्य, आगे इन्होंने भी पूरा आप सुनिए, इन्होंने कंडीशन भी दिया है। पहली बातों को समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे नीचे चलेंगे वैसे वैसे लैम्डा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे लैम्डा का मान बढ़ेगा, यानी कि सबसे ज्यादा लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? रेड कलर के लिए। सबसे कम किसका होगा? वायलेट कलर का, ठीक है ना। तो लॉर्ड रेले ने बताया कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, और जो प्रकीर्णन है वो प्रकीर्णन है वह कैसे, इन्होंने बताया प्रकीर्णन जो है वह तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रकीर्णन है, जो प्रकाश की किरणों का फैलना है, वह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन इन्होंने इसके लिए एक कंडीशन दिया, कंडीशन इन्होंने यह दिया कि यह तभी संभव है, यह सब तभी संभव है जब जो प्रकाश की किरण का तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना, जो प्रकाश की किरण का तरंग दैर्ध्य है वह टकराने वाले कणों की तुलना में ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जो लैम्डा है वह बड़ा हो ए से। ए क्या है? उस कण का साइज जिससे प्रकाश की किरण टकरा रही है, ठीक है ना। सपोज करिए कोई प्रकाश की किरण आई, इन्हीं कणों से टकरा गई, तो इसकी साइज ए है। इस प्रकाश की किरण का तरंग दैर्ध्य क्या है? लैम्डा। अगर ए यानी जिससे प्रकाश टकरा रही है, ए क्या है? जिससे प्रकाश टकरा रही है उसका आकार छोटा है, ठीक है ना, कण का आकार क्या है? छोटा है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से। तब अगर ऐसा है तो जो प्रकीर्णन होगा प्रकाश की किरणों का वह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है ना, बात समझ गए। अगर अगर दूसरा कंडीशन इन्होंने बताया कि अगर ए बड़ा हो गया, यानी जिससे प्रकाश की किरण टकरा रही है, जिससे टकरा रही वही बड़ा सा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा है, जिससे प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं उसकी साइज क्या है? बड़ी है। अगर ऐसा होता है तब ये नियम फॉलो नहीं होगा, तो तरंग दैर्ध्य चाहे जो हो सभी किरणें क्या होंगी? समान रूप से फैलेंगी। सभी किरणें यानी कि प्रकाश की किरणें आई, टकराई, जिससे टकराई उसकी साइज प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से ज्यादा है। तब जितना ये कलर फैलेगा उतना ये फैलेगा, उतना ये फैलेगा, यानी सभी कलर क्या होंगे? बराबर मात्रा में फैलेंगे। कब? जब प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य हो वह टकराने वाले कणों से छोटा हो, यानी जिससे प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं वो बड़ा है, तरंग दैर्ध्य क्या है? छोटा है, तो सभी क्या होंगी? एक समान रूप से फैलेंगी। लेकिन अगर कण छोटा है, तरंग दैर्ध्य बड़ा है, तब जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसमें प्रकीर्णन ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसमें प्रकीर्णन कम होगा, और प्रकीर्णन कैसे होगा? 1/λ के पावर 4 के रूप का, ठीक है। तो यह है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णन से संबंधित लॉर्ड रेले का नियम, एकदम आसान था, आई होप आप समझ गए होंगे। ये सब बिल्कुल आसान चीजें हैं, और इसके बाद हम लोग इस पर आधारित उदाहरण को भी देखेंगे, जैसे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, खतरे के सिग्नल का लाल होना, सफेद बादलों का होना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो कि इसी बेस्ड है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित हैं, उन सबको हम इसके आगे की वीडियोस में डालेंगे। ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था जो हमने क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थे तो बना दिया, ठीक है। आई होप जो दो चीजें, प्रकाश का प्रकीर्णन और लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम आपको बताया गया है, वो सब समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।